फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। बीकानेर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी दुकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के अनुसार मृतक बीनासर मुरली मनोहर मंदिर के पीछे रहने वाला है, जो कि यहां अपना ई मित्रा का संचालन करता है। फिलहाल पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर पीबीएम अर्चुरी में रखवाया है, जहाँ कोरोना का सैंपल लिया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुत्र किया जाएगा। पाकिस्तान से संदिग्ध कबूतर की सुरक्षा में जुटी पुलिस, जवान कर रहा सुरक्षा और दाने पानी का प्रबंध। करीब 2 महीने पहले पुलिस ने बीकानेर जिले के मोतीगढ़ गांव में पाकिस्तान से आए कबूतर को पकड़ा था। इस कबूतर के पंखों पर उर्दू में संदेश और पैर में छल्ले बंधे हुए थे। पुलिस के साथ ही गुप्तचर एजेंसी ने इस कबूतर की जांच की, लेकिन इस बीच कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन शुरू हो गया और पुलिस और गुप्तचर एजेंसी अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। इसी कारण कबूतर की अब तक जाँच पूरी नहीं हो सकी। जाँच पूरी नहीं होने के कारण छत्तरगढ़ पुलिस थाने में एक सिपाही विनोद को कबूतर के सुरक्षा और दाने पानी का प्रबंध करने के लिए तैनात कर रखा है। सहित किसी भी बीमारी से डरे नहीं, तुरंत हॉस्पिटल पहुंच कराएं इलाज। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि लोग कोविड-19 वायरस संक्रमण को लेकर डरने की बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपनी जान और अपना इलाज कराएं। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना वायरस महामारी सहित किसी भी बीमारी को छिपाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इससे बीमारी के गंभीर होने की आशंका बढ़ जाती है। और कहा कि विशेषकर बाहरी राज्यों से राजस्थान आ रहे श्रमिकों की प्रभावी जांच और क्वारंटाइन में भेजने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाना जरूरी है। कांग्रेस का दावा 3.22 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने स्पेशल पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आखिरी घोषणा के बाद निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि देश को ऐसे खराब आर्थिक हालात से निकलने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार इस लोन को प्रोत्साहन पैकेज नहीं कह सकती। शहरी गरीब लोगों को और प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने अपने पैकेज में कुछ भी नहीं दिया है। और पीएम मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा पर पलटवार करते हुए कहा कि पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का ही है, जो जीडीपी का 1.6% है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देर आया और दुरुस्त भी नहीं आया। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए कहा कि अब पता चल रहा है कि देर आया और दुरुस्त भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आने वाला है और न ही जनता को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि जब तक पैसा सीधा गरीबों वंचितों के बीच ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक आर्थिक स्थिति सुधार नहीं आ पाएगी। प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी दुगना करने का वादा किया था और जो अभी भी निभाया नहीं गया है। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। सवाईमाधोपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि आज लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने पर 53 वाहनों को सीज कर दिया गया है। वहीं 48 वाहनों के चालान भी काटे गए और साथ में शांति भंग करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सवाईमाधोपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव का कहना है कि लोगों द्वारा यदि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। मजदूरों को स्थानीय प्रशासन ने मदद का दिलाया भरोसा। सवाईमाधोपुर जिले से बड़ी खबर। पौंडेश्वरी में फंसे जिले के 15 मजदूर बोली थाना के हरसोता गांव के हैं। सभी मजदूर, जिनमें से 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं, सभी का मदद मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। फोन पर मजदूरों से बात हुई है और सभी को मदद का भरोसा दिलाया जा रहा है।